हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्चना है और आज मैं साबूदाना की खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको फल की कैटेगरी में रखा गया है और इसको व्रत में खाया जाता है और खाया जा सकता है। तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक मुट्ठी साबूदाना और एक मुट्ठी चीनी। यह करीब 25 ग्राम साबूदाना होगा और 30 ग्राम करीब चीनी होगा। साबूदाना को मैंने पहले पानी में भिगो दिया और 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ दिया। जितना साबूदाना हो उसका डबल पानी डालकर छोड़ दें, तो इस तरह से भीगकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैंने लिया है 1/2 लीटर दूध और इतने से सामग्री में 1.5 से 2 कटोरी बन जाएगा। तो सबसे पहले दूध को उबालना है और जैसे ही दूध उबल जाए साबूदाना को इसमें डाल देना है। तो यहाँ मैंने दूध उबाल लिया है, अब हम इसमें साबूदाना डाल देंगे। 2 मिनट करीब इसको धीमी आंच पर पकाएंगे और जब तक ये पकता है उस बीच हम 50 ग्राम करीब ड्राई फ्रूट्स लेंगे, जिसमें काजू, किशमिश, बादाम, छोटी इलायची या फिर आप अपने पसंद का ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो इस बीच हम ड्राई फ्रूट्स की तैयारी करेंगे और साथ साथ इस पर भी ध्यान रखेंगे। 1 मिनट पकते हुए हो चुका है, अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। एक मिनट और धीमी आंच पर पकाएंगे। जब भी साबूदाना का खीर बनाए ध्यान रखे कि साबूदाना को उबलते हुए दूध में डालना है। अगर कच्चे दूध में डालेंगे तो दूध फटने का डर होता है, इसीलिए पहले दूध को अच्छे से उबालें उसके बाद साबूदाना डालें। पकते हुए 1 मिनट और हो चुका है, इसी तरह से आप साबूदाना का खीर बनाए। अब चेक करना चाहे तो एक दाना लेकर आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि अंदर तक पका हुआ है कि नहीं। ये पक चुका है, अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, डालकर मिक्स कर देंगे और 30 सेकंड तक इसको पकाएंगे ताकि इसका फ्लेवर और खीर का फ्लेवर सब मिक्स हो जाए। सेकेंड पकते हुए हो चुका है, मैंने गैस ऑफ कर दिया है, इंडक्शन ऑफ कर दिया है। अब यह खीर सर्व करने के लिए तैयार है। अपने बच्चों और अपनी पूरी फैमिली के साथ सर्व करें, एंजॉय करें और मेरी रेसिपी को लाइक करना मत भूलें। इसी तरह से मेरे सारे वीडियोस देखते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।